वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉगर पे। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं लगा और घर पे एक न्यूज़ ऐसी मिल गई थी जिसके वजह से सारा हौच पौच हो गया। आज चल रही है हमारी पैकिंग। पूरा सामान है, कुछ कार्टून्स हैं जो कि कुरियर होंगे, बाकी बैग वैग हमारे साथ जाएंगे। तो हम लोग कल निकल रहे हैं घर के लिए। मैं, मम्मी, पापा, निकू, हम लोग जा रहे हैं घर। गौरव भी निकल रहे हैं, गौरव को जाना पड़ रहा है कहीं और। ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए गौरव जा रहे हैं। और इसी बीच है निकू का बर्थडे, 30th को निकू का बर्थडे है, जो कि हमने सोचा था काफ़ी अच्छे से प्लान करेंगे, लेकिन जिस दिन हम पे ये न्यूज़ का पहाड़ टूटा उस दिन हम लोग एक्चुअली जाने ही वाले थे सारा प्लान करने के लिए, डेकोरेशन के लिए सब कुछ, पर वो सब चौपट हो गया। तो अल्टीमेटली अब ये हुआ कि कल गौरव निकल रहे हैं, कल ही हम भी निकल रहे हैं और हम जाएंगे घर। तो बस ये सब चल रहा है, पैकिंग वैकिंग। शाम हो गई है, फाइनल पैक करना है अभी और कार्टून अच्छे से पैक करना है क्योंकि वो कुरियर होंगे। सो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में ये सब पूरा सॉर्ट आउट करके। मीनवाइल ये मेरा मैकबुक है जो कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं इसे और इसकी बॉडी में अब स्क्रैचेस पड़ने स्टार्ट हो रहे थे। मेटालिक बॉडी है तो इसके लिए मैंने कवर चूज़ करा था। मुझे लगा था पहले कि सिर्फ ये ऊपर का ही कवर है, बट इसमें नीचे का भी एक ये पीस दिया हुआ है। देन साथ ही इसमें दिया था एक स्क्रीन गार्ड जो कि मैंने खुद ही लगाया, और कीबोर्ड का कवर भी दिया था। और कीबोर्ड का कवर एक नहीं दो दिए थे, पता नहीं क्यों, बट जो भी है अभी फ़िलहाल एक यूज़ कर रही हूँ, दूसरा बाद में काम आ जाएगा। एंड एक ये दिया था, ये पता नहीं क्या है। एंड इसे लगाने के बाद ही कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था एंड अच्छे से फिट हो गया, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आया। कीबोर्ड का भी जो कवर था ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया, स्लिप नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कोई सा भी इसमें कवर चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन थे बट मुझे अलग काफ़ी पसंद आया क्योंकि पेस्टल कलर्स में था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँ। सारी हो गई है, पूरा वेट कर लिया है बैग का, सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए, 15 किलो, 7 किलो। खैर, थोड़ा सा गौरव को बुरा लग रहा है क्योंकि गौरव बर्थडे पे साथ नहीं होंगे और हमें वैसे भी ख़राब लग रहा है ना क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था तो कोविड की वजह से सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, सेकेंड बर्थडे है तो इसमें भी कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि गौरव साथ में नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग आज एक केक लाए हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बस हम ही हैं घर के लोग, तो बस उसके लिए केक काटते हैं और थोड़ा सा गौरव का पूरा हो जाए ना। केक दिखाती हूँ। ये क्या है निकू? काका नेम। क्या ये? काका नेम। काका नेम। तो ये निकू का काका नेम। बर्थडे केक उसका। कोको मेलन बनाया क्योंकि दिन भर कोको मेलन ही देखता है इसलिए। भूख मारो ना। Happy birthday, Niku! Yay! और यहाँ निकू ने बहुत बुरी तरह मर्डर कर दिया केक का, ऐसे ही लगा रहा पूरे केक में। खैर, इसके बाद दिन ख़त्म हुआ और नेक्स्ट डे स्टार्ट। So, हमारा सामान पैक हो चुका है, अब हम घर से निकल रहे हैं। 12 से भी ऊपर हो गए हैं पर बहुत सारा था पैक करने के लिए, तो सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया, बस हम निकलते हैं। गौरव निकल चुके हैं, बल्कि फ्लाइट में बैठ चुके हैं। निकू को अभी भी उठाया, थोड़ा नींद में है। बाकी बस निकलते हैं घर को आखिरी बार, देखते हैं, पता नहीं आना होगा नहीं होगा, कब आना होगा, गॉड नोस। चलो,
बोलो बाय बाय। अच्छा अंकल को बाय बोल दो। बाय बाय कर दो। निकू चलो फिर हम चलते हैं। निकू समझ ही नहीं। बाय कर दो अंकल को। बाय। सो हमारी फ़्लाइट आज की नहीं है, हमारी फ़्लाइट है कल की। हम एक दिन पहले चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ होटल में रुकेंगे और नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है। तो आज का दिन हम होटल में चेक इन कर रहे हैं। इसके बाद शाम को गए हम एक मॉल, क्योंकि उसमें था बारबेक्यू नेशन, तो हमें वहाँ जाना था खाना खाने के लिए। लेकिन इस बच्चे ने इतना परेशान करा, मैं वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाई सिवाय इस छोटी से क्लिप के। इसने वहाँ पे ऐसा कर रखा था जैसे मानो इसका प्लेग्राउंड होगा, भाग दौड़ उछल कूद, मतलब हर कोई इसे छोड़ कर हमारी टेबल पर जा रहा था। खैर वहाँ का टाइम हमने स्पेंड करा, फिर रूम पे गए, रूम पे जाके सोए और अगले दिन फ्रेश नींद खुली तो बस अपना रेडी हुए और हम गए इसके बाद ब्रेकफास्ट करने। नीचे मम्मी और मैं गए, निकू को लेकर गई। पानी चाहिए? नहीं है, पानी नहीं है। नो पानी। पानी हमारा ये होटल एयरपोर्ट के पास था, बिल्कुल हाईवे पे था और कुछ मीटर के ही डिस्टेंस पे था, तो हमें सुबह ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह फेस नहीं करना पड़े, इसीलिए हमने ये होटल बुक कराया था। टाइम आ गया जाने का, अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से पूरा खाली कर लिया, फटाफट से चेकआउट करते हैं, कहीं लेट ना हो जाए, सब मेरे सिर पर आ जाएगा कि मैंने लेट कर दिया। चले सो हमारी थी फ्लाइट वाया लखनऊ होते हुए, हमें कहीं उतरना नहीं था, बैठे रहना था, बट 4 घंटे कंटिन्यू बैठना था। और मुझे ये था कि निकू नहीं बैठेगा बिल्कुल भी, तो इसलिए हमने कोशिश करी कि वो सोया रहे और वो एक्चुअली में सोया रहा। ऑलमोस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे वो सोया रहा गोद में, तो इससे थोड़ी मेरी जर्नी ईजी हो गई। चलो चलो चलो। क्यों गिरा आपने? उठाओ उसे, उठाओ। के बाद निकू पूरे एयरपोर्ट में पहले घूमा, भाग दौड़ करी, गिरा, उसको बहुत मज़ा आ रखा था, सो के उठ चुका था, नैप उसका पूरा हो गया था। खैर हम लोग वहाँ से निकले और उसके बाद हम गए सीधा घर, और घर जाते हुए कुछ सुंदर सा व्यू जो कि मैं हमेशा मिस करती हूँ। और घर पे वेट कर रहे थे दीदी और बच्चे निकू का, तो इस तरीके से वेलकम हुआ। सो गाइज इतना ही था मेरे आज के वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।